हेलो, वेलकम टू एबल्स ट्यूटोरियल्स। तो मेरे को दो रिक्वेस्ट आई हैं इस बारी कि एनिमेटेड और वीडियो जिफ्स कैसे बनाई जाती हैं। सो और ये मेरे को हिंदी में बोलने के लिए कहा गया है, तो इसलिए मैं ये वाला जो वीडियो है ये हिंदी के अंदर है। तो चलिए सीखते हैं जिफ्स कैसे बनाते हैं। बनाते एक स्टैटिक मीम या स्टैटिक जिफ, तो ये हम फोटोशॉप में बनाएंगे। ये इलस्ट्रेटर में भी बन सकता है, इन डिज़ाइन में भी बन सकता है, या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपको कोई एनिमेशन या वीडियो नहीं चाहिए उसके अंदर बन जाएगा। तो एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। ये जो नई फाइल है ये मैं इंस्टाग्राम का साइज़ यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें 612 पिक्सल बाय 612, रेजोल्यूशन 72 और RGB कलर मोड में करेंगे इसे। तो ये फाइल बना ली। अब यहाँ पे मैं एक फ़ोटो ले आऊँगा, मेरी डॉग की फ़ोटो है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपने बस रिसाइज किया इसको, फ़ोटो को अपने हिसाब से। आप ये देखो, ये यहाँ पे जब मैं इसको प्लेस करूँगा तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के आएगा यहाँ पे। तो ये मेरी ओरिजिनल फाइल जो है पीछे रहेगी। अब जब मैं इस पर कोई भी फ़िल्टर लगाऊँगा तो वो अलग से लेयर बन के आएगी फ़िल्टर। अब मेरे को इसको थोड़ा सा कलर करेक्शन करना है, तो मैं एडजस्टमेंट में जाऊँगा और यहाँ से कर्व्स या कमांड या कंट्रोल M प्रेस करके आप इसको सिलेक्ट कर लो, फिर आपके कर्व्स खुल जाएंगे। ये जो ऊपर वाला भाग है ये हाइलाइट्स का है, और ये वाला भाग जो है ये शेडोज़ कंट्रोल करता है। आप देख रहे हैं यहाँ दोनों तरफ पे डार्क है और यहाँ दोनों तरफ पे लाइट है। तो ये हाइलाइट्स के लिए ऊपर, नीचे शेडो के लिए, और ये बीच का हिस्सा जो है मिड टोन्स के लिए। तो इसको आप ऐसे खोल सकते हैं, देखो मिड टोन्स खुल गई आपकी, ओके। और ये यहाँ पर अलग से स्मार्ट फिल्टर बन के आ गया। इसका फ़ायदा ये है कि जब मैं इसको रिसाइज या कुछ करूँगा तो ये आप देखो ये इमेज वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में चली गई है, और ये तब तक ऐसी रहेगी जब तक मैं इसको ये रिसाइज करूँगा। बाद में ये ऑटोमेटिकली जब भी मैं इसको ओके कर दूँगा ये वापस स्मार्ट फिल्टर पकड़ लेगा। तो इसको ज़रा हिला देते हैं, और अब बस इसमें हमने आपने अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना हो आप उसमें लिख दीजिए जो आपके मन में आए। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ गए आप अपने जो फॉन्ट यूज़ करना है या टाइपफेस, वो जौन सा भी आपने यूज़ करना है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये इमोजीज भी डाले हुए हैं, चलिए एरियल, इस एग्जांपल के लिए एरियल ब्लैक ले लेते हैं। इसका पॉइंट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पॉइंट साइज आप ऐसे भी खींच के बड़ा कर सकते हैं, और अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो शिफ्ट दबाने से, पहले वाले जो सॉफ्टवेयर था उसके अंदर शिफ्ट दबाने से प्रोपोर्शन में एक्सपैंड या रिड्यूस होता था, अब उन्होंने उल्टा कर दिया है अडोबी ने ये चीज़। अब आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये प्रोपोर्शन में होता है, और शिफ्ट दबाएंगे तो प्रोपोर्शन से अलग हो जाएगा। सो लेडिंग थोड़ी कम कर देते हैं इसको,
कलर आपने जो भी चूज करना हो आप कर सकते हैं। और ऑप्शन और डिलीट दबाएंगे तो आपको जो ये फोरग्राउंड कलर है ये आपको दिख जाएगा। अब आपने अगर इसको आउटलाइन देनी है, आप लेयर में जाएं, इसको सेलेक्ट करें, कमांड दबाएंगे तो आपको ये जो मेरे इसमें हैंड आइकॉन है इसके आसपास मार्की दिख रही है ये आ जाती है, इंडिकेट्स जहाँ लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये सेलेक्ट करेगा इसको ऐसे। जब आपने अपना ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है कि कैसे रहना चाहिए, तो आप यहाँ जाएं और टाइप में, यहाँ जाके आप इसको रास्टराइज टाइप लेयर कर लें, तो ये इसको एक आर्ट वर्क बना दिया इसने। फिर इसको जाके आप यहाँ जाएंगे तो आपको ये दोबारा आपको दिखेगा कि ये मेरे हाथ जो आइकॉन है, कर्सर है, उसके आसपास मार्क स्क्वायर बना हुआ है, वो सिलेक्शन टूल है, ये आपने ऐसे सिलेक्ट कर लिया इसको। आप इसको सिलेक्ट करके फिर आप जाइए मॉडिफाई में, यहाँ पर बॉर्डर दे सकते हैं इसको, 4 पिक्सल का बॉर्डर दे देते हैं, ये 4 पिक्सल का बॉर्डर आ गया इसको। और आप कमांड कंट्रोल या डिलीट करके आप इसको भर सकते हैं इसके बॉर्डर को, आपने भर दिया और आप कलर करेक्शन आपने अगर दोबारा करनी हो तो आप कंट्रोल यू या कमांड यू दबाओ फोटोशॉप में, तो आपको यू सैचुरेशन की पैलेट खुल जाती है, ये यहाँ से भी आ जाती है। आप इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में, और ये वाली जो आपकी लेयर है ये खोल लें। इससे क्या है कि आप जब खोलते हैं आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। ये इसकी सैचुरेशन कम या ज़्यादा कर देगा, कम करने से देखिए ग्रे हो जाता है, ज़्यादा करने से ब्राइट हो जाएगा। ये लाइटनेस है, अगर इसको लाइट करना है या डार्क करना है, ये पूरी वाइट समेत इमेज को डार्क और वो करेगा। सैचुरेशन और ह्यू जो है वाइट को नहीं छुएगा जो उसकी आउटलाइन है, बट आपको ऐसे जो कलर अच्छा लगे उसके हिसाब से आपने चूज किया। इसको हल्का सा घुमा दीजिए, जब ये बन जाए तो आप यहाँ जाएं और यहाँ से आप करें इसको एक्सपोर्ट फॉर सेव फॉर वेब लेगेसी। यहाँ जाके आप इसको GIF सेव कर सकते हैं, GIF 128 डिथर्ट। ये इसके सारे कलर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी क्या फाइल साइज बन रही है। आप इसको जैसे जैसे कलर घेरते रहेंगे, नो डिथर आप इसमें देखिए 32 डिथर्ड करते हैं तो यहाँ कलर कैसे चेंज हो रहा है। आप टू अप में ये राइट साइड पे जो आपकी जिफ है ये ओरिजिनल यहाँ पे है, तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं कितना है कितना नहीं है, तो उस हिसाब से अपने यहाँ पे फाइल सेव करी और सेव कर दिया आपने। तो इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, माय बेस्ट फ्रेंड, ये मैं यहाँ सेव कर देता हूँ, बस दैट इज़ इट। आपको बस इतना ही करना है, ये आपकी बन गई स्टैटिक जिप फाइल। अगर इसको हमने एनिमेट करना हो तो कैसे करें, तो मैंने ये पहले वाली जो फाइल बनाई थी उसको खोला है, तो यहाँ हम करेंगे अब क्रिएट वीडियो टाइमलाइन कर देते हैं। तो नाउ आप देख सकते हैं कि ये ऊपर दोनों जो मेरे आर्ट बोर्ड्स हैं इसने यहाँ टाइमलाइन में ले आया है, ये अलग अलग दोनों लेयर जो है यहाँ पे, ये दोनों लेयर जो है मेरी यहाँ आ गई हैं।
और सेम नाम है दोनों का, सो दोनों अलग अलग वीडियो सीक्वेंस हो गए। अब इसके अंदर क्या है, इसने ऑलरेडी इसको 5 सेकेंड का साइज़ दे रखा है, तो इसको हम छोटा कर सकते हैं। इसको ये जो बार, ये जो है ये हमारा साइज़ है, कितना हमको चाहिए। ओके, सो मैं आपको ये ज़रा ये वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये एरिया क्या है। ये है मेरे जो लेयर है, जो भी चीज़ मेरी यहाँ पे आर्ट आर्ट बोर्ड पे है या मेरे कैनवस पे है, वो लेयर यहाँ पे है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है लेयर की, जो ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टीज़ है जो इसकी एनिमेशन की। और ये मैं इसमें कोई ऑडियो ट्रैक जोड़ना चाहूँ तो मैं वो भी जोड़ सकता हूँ, जैसे कोई वॉइस ओवर वगैरह। ये जो है, ये अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ फ्रेम एनिमेशन में, वो भी कर सकता हूँ। एक करके देख लेते, जैसे ही मैंने फ्रेम एनिमेशन में 5 सेकंड की इसमें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दी। अब इसको अभी मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा, तो इसको हम वापस जाते हैं, वीडियो एनिमेशन कर देते हैं, कन्वर्ट टू फ्रेम एंड कन्वर्ट टू वीडियो। ये जब मेरा सारा फाइल तैयार हो जाएगी तो मैं इसको यहाँ से रेंडर कर सकता हूँ। ये रेंडर वीडियो आ रहा है। ये जो है ये टाइमलाइन है पूरे वीडियो की, ये घंटे का है, ये मिनट का है, ये मिनट का है, ये सेकंड का, और ये मिनी सेकंड्स का है। ये जो है ये कितने फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से मेरी वीडियो बन रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है मेरा ये टाइमलाइन को छोटा बड़ा व्यू करने के लिए, कौन कितने फ्रेम में जा रहा हूँ। आप ऊपर देखिए तो फ्रेम के हिसाब से ही आपको बताया जा रहा है। ये सिंगल फ्रेम 1 2 3 4 करके है, और ये 5 के डिवीज़न में या 10 के डिवीज़न में, जैसे आपने ऊपर नीचे करना है वो कर सकता है। सो ये इजीली आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप अगर यहाँ पे माउस रखें तो आपको दिखेगा कि ये मीडिया ट्रैक के बारे में बात करें। अगर आपने इस फाइल के साथ में कोई मीडिया ट्रैक जोड़ना है तो इस एग्जांपल में तो हमने नहीं जोड़ना है। ये जो है ये आप प्ले का बटन है, ये रिवाइंड का बटन है, प्रीवियस फ्रेम में जाने का, ये रिवाइंड का बटन है। तो प्ले करेंगे तो आपका ये देखेंगे ये हेड आपका घूम रहा है यहाँ पर, ये वीडियो प्लेबैक हेड है, क्योंकि अभी कोई एनिमेशन है तो कुछ देख नहीं सकते हम अभी। ये अगले फ्रेम में जाने के लिए है। ये अगर इसमें कोई ऑडियो फाइल है तो ये म्यूट, अभी तो आप सुन सकेंगे अगर कोई ऑडियो फाइल हो तो, और ये म्यूट करने के लिए। ये अगर इसकी कोई सेट आपने लूप प्लेबैक वगैरह या और रेजोल्यूशन की सेटिंग है, आपने कितनी रेजोल्यूशन में रेंडर करना और लूप प्लेबैक करना है कि नहीं करना है। ये जो है ये आपकी वीडियो को कट करने वाला, स्लाइस करने वाला वो है। अगर आपने एक जैसे सिलेक्ट किया, ये इस पर नहीं चलेगा, ये वीडियो के लिए ही चलेगा। और ये है बीच की ट्रांजिशन के लिए, तो आपने क्रॉस फेड करना है या कुछ भी अलग अलग तरीके की ट्रांजिशन है, फेड टू वाइट कलर के हिसाब से कितने ड्यूरेशन का है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये इस हिसाब से यहाँ पे आप ड्यूरेशन भी देख सकते हैं। हम इस पर धीरे धीरे आएंगे, मैं अगले वीडियो में जिसमें हम वीडियो के लिए काम कर, वीडियो का जिफ बनाएंगे तो वो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो चलिए इस वाले को हम शुरू करते हैं। ये मेरे को 5 सेकंड का तो एनिमेशन नहीं चाहिए इसके अंदर जिफ, तो इसको हम कर लेते हैं सीधा 2 सेकंड का रख लेते हैं पूरी पिक्चर को, पूरी एनिमेशन को। आई मीन ये हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड वी कैन जस्ट ब्रिंग इट टू 2 सेकेंड्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैं ये बड़ा सिंपल सा कर रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर मेरे को इतना, आपको सिर्फ ये दिखाने की एनिमेशन कर सकते हैं कि कैसे नहीं कर सकते। ये जो आप घड़ी जैसा देख रहे हैं स्टॉप वॉच, ये की फ्रेम के लिए है। इसमें की फ्रेम मतलब कहाँ से मैं कौन से पॉइंट से मैं शुरू कर सकता हूँ। ये इनके ट्रैक्स हैं तीनों के, ये ओपेसिटी के हैं और ये स्टाइल के हैं। ट्रांसफॉर्म में होएगा कि मैं इसको छोटा बड़ा
स्केल करना हो या आगे पीछे इसको मूव करना हो, ये उसके काम आएगा। तो आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने, ये मेरा फ्रेम है, यहाँ पे मैंने अभी इसको रखा हुआ है, और अगर मेरे को इसको इस वाली फ्रेम में, मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन यहाँ चली जाए, तो आप देखो ये अपने आप यहाँ पे इसने की फ्रेम सेट कर दिया ये वाला। तो आप ये देखेंगे जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये धीरे धीरे उधर जा रही है। ये अभी रेंडर कर रहा है इसलिए बहुत धीरे से चल रहा है, पर जब एक बारी पूरी रेंडरिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी तो इट विल बी क्वाइट फास्ट। अब इसको दोबारा प्ले करके देखिए, आप काफ़ी तेज़ हो गई रेंडरिंग, स्मूथ हो गई रेंडरिंग आपकी। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये जो है ये ओपेसिटी के लिए। तो यहाँ पे अगर मेरी 100% ओपेसिटी रखनी है मैंने, तो मैंने इसको यहाँ पे एक की फ्रेम बना लिया एंड में जाके, जहाँ पे मेरे को फाइनल रिजल्ट चाहिए वो मैं अपने पहले करूँगा। फिर मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाके मैं इसको एक और की फ्रेम यहाँ ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ पे जाके इसी फाइल के ऊपर मैं जाके यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है मैं ज़ीरो कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि जब मैं ये प्ले हेड मूव करूँगा यहाँ पे, ये आप देखो धीरे धीरे ऊपर उसकी ओपेसिटी 100% होती चली जा रही है। तो हम यही चीज़, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने इनको हटाना है, आप किसी एक को सेलेक्ट करके डिलीट मार सकते हैं, या आप अगर सभी को हटाना है आप सीधा इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे सारे की फ्रेम्स हट जाएंगे इसकी। और ऐसे ही ये स्टाइल है, स्टाइल पे हम अभी बाद में आएंगे, इसके लिए मैं अलग वीडियो करूँगा क्योंकि ये इस एग्जांपल के लिए ज़रूरी नहीं है अभी। तो अभी मैं ट्रांसफॉर्म ये हटा देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको दोबारा से नया ट्रांसफॉर्म दूँगा। ये मेरी इमेज मेरी फाइनल अगर यहाँ पे है, ये मैं यहाँ जाके इसको ट्रांसफॉर्म में ये सेलेक्ट कर देता हूँ, एक की फ्रेम मैंने यहाँ ऐड कर दिया, और शुरुआत में जाऊँगा मैं और इसको छोटा कर दूंगा मैं, और ऐसे। तो ये मेरा अब एनिमेशन बन गया एक, जिसमें ये जूम इन करेगा। मैं इसमें एक और चीज़ अगर ऐड करना मांगू मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ जाऊँ, अगर ये की फ्रेम को सिलेक्ट करके, और मैं इसको हल्का सा रोटेट भी कर लो, ऐसे ही मैं इसका इसको बंद कर देते हैं। जो ऊपर का मेरा ये वाली मैंस बेस्ट फ्रेंड जो मेरा टाइप लिखा हुआ है, इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पे इसकी एक पोजीशन और ट्रांसफॉर्म नीचे का दोनों बराबर ही है, इसको यहाँ लॉक कर देते हैं, और शुरुआत में जाके इसमें ओपेसिटी कर लेते हैं। तो यहाँ 100% दे देते हैं इसको ओपेसिटी, और इसको यहाँ पे कहीं पे हम की फ्रेम एक ऐड करते हैं और इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 0। तो ये बन गया हमारा एक एनिमेटेड छोटा सा जिफ, बड़ा सिंपल सा है ये। इसको अब हम जाके रेंडर कर लेते हैं पहले पूरी फाइल। अब ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है MP4 बनाना है कि जिफ बनानी है। तो
MP4 जो है, MP4 मैं सजेस्ट करूँगा आप यूज़ करें जब आप इसको ब्लॉग में या वेबसाइट के अंदर आप इस्तेमाल करें, पर अगर आपने सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करनी है तो सोशल मीडिया पे जिफ बेटर रहता है। हालांकि जिफ का फाइल साइज़ करीब 3 गुना ज़्यादा होगा MP4 से, क्योंकि वो एक वेक्टर उसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों MP4 और जिफ दोनों सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो MP4 क्यों होगा, रेंडर वीडियो अगर मैं करता हूँ तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ अपना, ज़रा यहाँ पे मैं इसको एक फोल्डर सेलेक्ट कर लिया मैंने और इसको नाम देते हैं मीम 1 MP4। इसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये H.264 आइडियल क्वालिटी या हाई क्वालिटी के अंदर जाएगा ये 30 फ्रेम पर सेकेंड। ये सारा कुछ एकदम ठीक है, आपके इतने फ्रेम्स बने हुए हैं तो इसने ऑल फ्रेम्स इसने लिए हुए हैं, और आप इसको कर दीजिए रेंडर। ये फाइल मेरी रेंडर हो गई है। मैं उस फाइल पे जाने से पहले एक और तरीका बताता हूँ आपको, मैं जिफ सेव करने के लिए आप यहाँ जाए एक्सपोर्ट में, सेव फॉर वेब लेगेसी, ये जो है ये ऑप्शन ऑल्ट ऑप्शन या ऑल्ट शिफ्ट कमांड या कंट्रोल की और एस, तो शिफ्ट ऑप्शन कंट्रोल कमांड ऐसा आप दबाएंगे तीनों की एक साथ तो आपको ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और इसमें आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया क्योंकि मैंने एनिमेशन के लिए देता। अब मैं यहाँ जाऊँगा, इसको जिफ 128 डिथर्ड चूज़ करूँगा, इसमें अब ये इसमें जितने भी कलर थे अब काफ़ी क्लोज है ओरिजिनल के, आप यहाँ देख सकते हैं 9 MB की फाइल बन रही है इतनी, और ये इतने सेकंड की फाइल बनेगी। मैं इसको यहाँ प्ले करके भी देख सकता हूँ, ठीक है जी। और अब मैंने इसको कर दिया सेव। मैंने डिजर क्वालिटी मैंने 8080 रखी, इसको आप ज़्यादा बड़ा करेंगे तो फाइल साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी। बाकी आपके सेटिंग्स एकदम सही हैं तो आप इसको सेव कर लें। इसका नाम दे देते हैं हम मीम 1 GIF। तो ये दोनों सेव हो गए। अब यहाँ फाइंडर में जाके आपको मैं दोनों का साइज़ दिखाता हूँ। जो मीम 1 GIF है ये 9.5 MB की बनी है और ये लूप में चल रही है, हमने लूप में सेव किया हुआ था। और जो मीम 1 MP4 है ये 2 MB की फाइल है, और इसको आपको प्ले करना पड़ेगा तो जाके ये एक ही बार में प्ले होगा। ये जो है जिफ ये लूप में आपकी प्ले होगी, तो ये फ़र्क है दोस्तों। तो इसके अंदर अब आप आई होपफुली आप और भी अच्छे अच्छे से जिफ्स बना सकते हैं। अब अगला देखते वीडियो में जिफ कैसे बनाने, मतलब पीछे वीडियो का बैकग्राउंड हो अगर और सामने सिर्फ टेक्स्ट हो, इसके अंदर तो सिर्फ स्टैटिक इमेज थी, तो अब एक वीडियो का बना के देखते हैं। तो सेम मैं इसी फाइल के ऊपर ही काम करता हूँ, मैं ये वाली लेयर ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं ये लेयर हटा देता हूँ, ये मैंने सिर्फ डिलीट मार दिया। तो ये मेरे टेक्स्ट का जो है वो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे जितनी भी सेटिंग है मैंने बस सिर्फ इस पर एक वीडियो लेयर लेके आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी फाइल में जाऊँगा, मेरे पास ऑलरेडी मैंने अपने डॉग की एक MP4 बना रखी है, ये रही, इसको मैंने सिर्फ ऊपर ड्रॉप करना है ऐसे।
ये उसकी फाइल है, पर ये आप देखो ये वीडियो बहुत बड़ी है, मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो फाइल तो चाहिए भी नहीं। तो जहाँ पे भी मेरे को, मैं इसके साथ ये स्क्रब करके आगे पीछे जा सकता हूँ, देख सकता हूँ कि कहाँ पे है ये वीडियो फाइल, कितनी बड़ी है, देखिए बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। तो मेरे को जो पोर्शन चूज करना है वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको एक करेक्ट फ्रेम चूज करने के लिए, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ले ली थी। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये मैंने जो आपको पहले बताया था सीजर्स टूल, ये सिलेक्ट कर लीजिए और आप जहाँ पे भी आपने ये रखा था ये वहीं से एकदम डिलीट मार देगा। पहले वाला आप वीडियो फ्रेम ये सिलेक्ट कीजिए, यू कैन डिलीट दैट, और इसको आगे ले आए। और इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं, आगे का पोर्शन हमें चाहिए नहीं। इसको आप आगे ले आए होल्ड करके, तो आप देख सकते हैं ये मेरी वीडियो जो है 1 सेकंड के बराबर है लगभग। सो मैंने जब प्ले करेंगे तो ये ऐसे आएगा। अच्छा, अब इसको क्या करना है, मैंने ये वीडियो जो है, ये लेयर जो है, ये मेरे को रखनी है नीचे, ताकि मेरे को ऊपर ये टेक्स्ट नज़र आए। अब ये जो मेरा टेक्स्ट है ये मेरे को चाहिए, मैंने अपना देखना वीडियो हेड मेरा कहाँ तक आ रहा है। इसी की जो टेक्स्ट है ये यहाँ आएगा। अब इसके बाद मैंने एक और टेक्स्ट इसके ऊपर डाल देता हूँ, आप टेक्स्ट को कुछ भी इफेक्ट आपने देना मांगते हैं वो दे सकते हैं। हम जैसे मैंने प्रीवियसली पहले वाले टेक्स्ट में दिया था, और इसको रिसाइज कर देते हैं जहाँ तक हमारा पूरा वीडियो है वहाँ तक। फिर वीडियो हमारा यहाँ तक है और यहाँ एंड हो जाएगा और ये अब लूप में जा सकता है। और ये है मेरा, इसको भी हम एज अ वीडियो सेव कर सकते हैं और एज अ जिफ दोनों सेव कर सकते हैं। अब यहाँ से हम पहले रेंडर वीडियो कर लेते हैं, इसको वीडियो मीम 1 MP4 यही सेलेक्ट करके कर लेते हैं, बाकी सारी सेटिंग हमने सेम है। और सेम अगर हमने एक्सपोर्ट करना हो वेब लेगेसी, अगर आपको मतलब एज अ वीडियो फाइल नहीं और एज अ जिफ फाइल करनी है, तो भी सेम चीज़, सेम सेटिंग्स हमने रखी हुई हैं जिफ 128 GHz में। और आप इसको यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं, और फिर आप इसको सेव कर लीजिए। सो ये तो ये बन गई थी हमारी वीडियो वाली फाइल भी। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने वीडियो मीम MP4 बनाई थी और ये जिफ सेम।
और ये लूप में होती रहेगी। तो ये था दोस्तों जिफ्स और मीम्स कैसे बनाते हैं स्टैटिक एनिमेटर और वीडियो के अंदर। मेरे से कमेंट्स के अंदर आप ज़रूर पूछिए कि अगला वीडियो आपको किस बारे में चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, इनडिज़ाइन हो चाहे फोटोशॉप हो चाहे इलस्ट्रेटर हो। और हाँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।